मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों और युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मेरा नाम राधा सुखानी है, व्यवसाय से डॉक्टर हूँ। आज मैं आपके साथ इम्यूनिटी के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। यह सत्य मैं शुरू से ही स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारी इम्यूनिटी का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है, एक संगठन है। अगर सशक्त स्वास्थ्य नहीं तो इम्यूनिटी नहीं, अगर इम्यूनिटी नहीं तो जीवाणु, कीटाणु, कोविड-19 जैसे भयंकर वायरस से हमारे को कोई बचाव नहीं। सारे विश्व को कोविड-19 जैसे वायरस ने बेहाल किया हुआ है। सिर्फ अच्छी बात यह है कि सारे विश्व की नजर आज इम्यूनिटी और स्वास्थ्य पे है। अफसोस की बात यह है कि हमारे सोशल मीडिया ने कई छोटे टोटके और सुझाव डाल दिए हैं जो कि हमारे को गलतफहमी और कंफ्यूजन में डाल देते हैं। क्लिक, शेयर और चुटके इलाज से हमारी स्वास्थ्य नहीं बनता, हमारी इम्यूनिटी सशक्त नहीं होती। उसके लिए स्वास्थ्य ज्ञान की जरूरत है। तो स्वास्थ्य ज्ञान के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यह तो हमारे बुद्धिजीवियों ने कहा है कि ज्ञान ही समस्या का समाधान है। अज्ञान से हम शक्तिहीन हो जाते हैं। ज्ञान बनाए हमें निश्चय बुद्धि, अज्ञान बनाए संशय बुद्धि। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यति। तो अगर हमें स्वास्थ्य ज्ञान लेना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर थोड़ी मेहनत से हम अपना स्वास्थ्य सशक्त बना सकते हैं, इम्यूनिटी को शक्तिशाली बना सकते हैं और विजय पथ पे चल सकते हैं। तो कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरी मेडिकल ट्रेनिंग मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से हुई। स्पेशलिटी ट्रेनिंग भी की। मेडिकल कॉलेज के बाद, ट्रेनिंग के बाद मैंने 40 साल प्रैक्टिस की। इसमें से 7 साल मैंने हिंदुस्तान और अफ्रीका में काम किया और बाकी 30 से ज्यादा साल मैंने शिकागो शहर में काम किया। यहाँ पर मैंने 3 यूनिवर्सिटीज में काम किया, प्रैक्टिस करी, छात्रों को पढ़ाया, मेडिकल ट्रेनीज की ट्रेनिंग भी करी और रिसर्च भी करी। 40 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद मैंने रिटायरमेंट ली। इन रिटायरमेंट के 3 सालों से मैंने स्वास्थ्य शिक्षा का अभियान शुरू किया। ज्यादा समय मैंने भारत में गुजारा और इस स्वास्थ्य ज्ञान के अभियान से जुड़ी रही। मैंने अपना केंद्र बिंदु बनाया फूड एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस। आप तो सभी जानते हैं कि ये फूड एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस मतलब कि भोजन और जीवन शैली की बीमारियां क्या हैं, जैसे कि मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर डिजीज, युवा बच्चियों में पीसीओडी, एसिड रिफ्लेक्स और कैंसर। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये अनुभव किया कि ये बीमारियां बढ़ती ही चली जा रही हैं और आज पिछले 15-20 साल में महामारी का रूप ले लिया है। दवाइयां अनगिनत हैं, हर साल नई नई दवाइयां आती हैं पर रोग का छुटकारा नहीं। हाँ, यह सच है कि दवाइयों की कंपनियां बेशुमार मालामाल हो गई हैं, अरबों और खरबों कमा रही हैं, लेकिन बीमारी से छुटकारा नहीं है। तो इसका कारण क्या? तो इस सवाल का जवाब बहुत ही सरल है। ये बीमारियां इसलिए हैं कि हमारा आहार पौष्टिक नहीं और हमारी दिनचर्या संतुलित नहीं। हमारे चिकित्सा के बुद्धिजीवियों ने हमें यही बताया है कि अगर बीमारी का निवारण करना है तो उसके कारण पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कारण तो ये है कि हमारी भोजन और जीवन शैली संतुलित नहीं। तो सिर्फ दवाइयों से फायदा थोड़ी होगा। अगर हम दवाइयों के साथ अपनी जीवन और भोजन शैली को बदल दें तो हमारा इन बीमारियों से बचाव होगा। कम से कम दवा में हमारा इलाज हो जाएगा, बीमारी भयंकर और गंभीर होने से बच जाएगी। और अगर आपका संकल्प दृढ़ है, निश्चय है, तो आप बीमारी को पलट भी सकते हैं।
आजकल ये जानी मानी बात है कि डायबिटीज, मोटापा, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर ये सब पलट सकते हैं, पर उनके पलटने के लिए हमारा आहार पौष्टिक होना चाहिए और हमारी दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए। तो आप जानते ही हैं COVID-19 की महामारी ने सारे विश्व को बेहाल किया है। इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी देशों पर पड़ा है। अमेरिका जैसे समृद्ध देश में कोविड का प्रकोप बहुत ज्यादा है। बीमारी भयंकर है, गंभीर है और मरने वालों की संख्या भी अधिक है। अगर अमेरिका में 100 लोगों को कोविड हुआ है तो उसमें से 15 लोग मर गए हैं। भारत में अगर 100 लोगों को कोविड हुआ है तो 2 या 3 मरे हैं। अमेरिका की जनसंख्या भारत से चौथाई है, लेकिन मरने वालों की संख्या 10 या 12 गुना ज्यादा है। कोविड का सबसे बड़ा प्रकोप हमारे बड़े शहरों पर पड़ा है, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, सियाटल इत्यादि। हमारे भारत में मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद। अब ये बड़े शहरों में प्रकोप क्यों होता है? इसका कारण यह है कि बड़े शहरों की आबादी बहुत बड़ी है और इसकी वजह से वहां पे संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। नंबर 2, भोजन और जीवन शैली की बहुत कमी है, अच्छा नहीं है बड़े शहरों में। 3, पर्यावरण प्रदूषित है। इसके साथ साथ सूर्य प्रकाश का कोई सेवन नहीं। 4, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, नींद नहीं है। ये सब मिलकर के स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हमारी इम्यूनिटी भी बिगड़ जाती है। अब जब अमेरिका में कोविड के मरीजों का इलाज किया गया तो यह देखा गया कि बीमारी गंभीर ज्यादा थी, मौतें ज्यादा हुई अगर मरीज को भोजन और जीवन शैली की बीमारी थी, जैसे कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज। साथ ही साथ यह भी देखा गया कि जब विटामिन डी लेवल बहुत कम था तो बीमारी बहुत गंभीर, मौत ज्यादा। जिन लोगों की उम्र 65 से ज्यादा उनको भी बीमारी ज्यादा और उनमें भी मौत ज्यादा। जिनको कैंसर का प्रॉब्लम उनमें भी यही समस्या। तो इसका मतलब अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो इम्यूनिटी शक्तिशाली नहीं। अगर मेरे से कोई यह पूछे कि एक ही लाइन में बता दीजिए कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, तो मैं एक ही लाइन में बताऊंगी, सूर्य की ऊर्जा से जुड़े रहें। जो शाकाहारी भोजन सूर्य की ऊर्जा में पलता है, पनपता है, वो सबसे ही पौष्टिक है। और जो दिनचर्या सूर्य प्रकाश के 24 घंटे के काल चक्र से जुड़ी है वो सबसे संतुलित है, वो आपको स्वस्थ रखेगी। अब इस सूर्य प्रकाश के 24 घंटे के काल चक्र को कहते हैं हम सर्केडियन रिदम। साइंस में इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। सर्का मींस राउंड और रिदम मींस लय, डीएन मींस दिन। 24 घंटे का काल चक्र। जितने भी ब्रह्मांड में प्राणी हैं, पेड़ और पौधे हैं, उनका जीवन इसी लय से बंधा हुआ है। दिन के समय वो सक्रिय हैं और रात के समय विश्राम है। जब इस लय से मनुष्य निकल जाता है, इसका मतलब 24 घंटे के काल चक्र की लय से बंधा नहीं रहता, तो उसको बीमारी हो जाती है, स्वस्थ नहीं रहते। तो ये इम्यूनिटी हमारे लिए क्या करती है? इम्यूनिटी सबसे पहले हमारे को जीवाणु और कीटाणु और वायरस से बचाती है। नंबर 2, इम्यूनिटी हमें कैंसर से भी बचाती है। यह मत समझिए कि कैंसर अचानक आ जाती है, नहीं। कैंसर के सेल हमारे शरीर में उपजते ही रहते हैं, पर हमारे शरीर की सशक्त इम्यूनिटी उनको मार डालती है निकलते ही। अब यह मैं आपको कह देती हूं कि कैंसर उनमें ज्यादा है जिनमें मोटापा है या डायबिटीज है। 15 कैंसर हमारी मोटापे से जुड़ी है, क्योंकि मोटापे में चर्बी इतनी ज्यादा है कि रक्षक सेल अपने निश्चित स्थान पे पहुंच ही नहीं सकते। डायबिटीज में शुगर इतनी है कि कैंसर सेल को पूरी थाली भर के चीनी का माल मिल रहा है। तो इसी वजह से इन दोनों में कैंसर का प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है।
तीसरी चीज जिससे हमें इम्यूनिटी बचाती है वो है टॉक्सिन्स, मतलब हमारे पर्यावरण के विषैले पदार्थ। और आजकल तो आप जानते ही हैं पर्यावरण पूरी तरफ से बिगाड़ा हुआ है, खास करके हमारे बड़े बड़े शहरों में। हमारी हवा में प्रदूषण है, हमारे पानी में प्रदूषण है, हमारी खेती में प्रदूषण है और हमारे घरों में प्रदूषण है, क्योंकि हम केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब हमारे शरीर का ये इम्यून सिस्टम क्या है, ये रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या है, ये एक भरपूर फौज है। समझ लीजिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब मिलाकर के एक। हमारे रक्षक सेल हमारी हड्डियों में बनते हैं और खून के जरिए हर जगह पहुंचते हैं। तो ये तो हुई नेवी। जब अचानक कोई संक्रमण होता है तो इम्यून सेल्स, रक्षक सेल वहां पहुंच जाते हैं। तो ये हुई एयरफोर्स। तो समझ लिए भरपूर फौज ही है। कई तरह के हमारे रक्षक सेल हैं। अभी और भी नए नए का आविष्कार हो रहा है, तो ये रक्षक सेल हमारे कई तरह के काम करते हैं। ये हमारी फाइटिंग फोर्स है, ये हमारे सोल्जर्स हैं। तो फिर अगर ईश्वर ने हमें इतना अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम दिया, इतनी अच्छी रोग प्रतिरोधक शक्ति दी, तो फिर हमें रोग का संक्रमण क्यों होता है? सीधी बात है, जैसे कि हमने बताया कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं, जीवन भोजन शैल भोजन और जीवन शैली की बीमारियां हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो संक्रमण जल्दी, बीमारी ज्यादा गंभीर, मौत ज्यादा। तो दूसरा कारण ये है कि अगर संक्रमण बहुत ही तेज है तो भी आपको बीमारी होगी। इसीलिए COVID-19, क्योंकि इसका संक्रमण बहुत अधिक है, CDC, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल अमेरिका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें तरीके दिए हैं जैसे संक्रमण को रोक सके। और ये तो सब आप जानते ही हैं, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धोना इत्यादि इत्यादि। मैं कहती हूँ ये आप जरूर इनकी पालना कीजिए, लेकिन यह न सनक सवार हो जाए कि आप अपना नुकसान करें। जैसे कि लॉकडाउन का मतलब यह नहीं कि घर को ताला मार दो, न खिड़की खोलो न दरवाजा खोलो, नहीं। आपको स्वच्छ हवा जरूर चाहिए, सूर्य प्रकाश का सेवन जरूर चाहिए, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी कुछ बनी रहे। मास्क तभी पहनना है जब भीड़ में है, घर में मास्क, दो जनों इधर उधर जिनको जानते हैं उनके सामने मास्क पहनने की जरूरत नहीं, भीड़ में पहनने की जरूरत है। तो अगर आप घर को बाहर छोड़ के जाते हैं तब मास्क पहनिए। हाथ धोने हैं लेकिन 100 बार हाथ नहीं धोने, हाथ खराब हो जाएंगे। केमिकल्स और हैंड सैनिटाइजेशन तभी करनी है जब धोने का साधन न हो। घरों के अंदर जितना कम केमिकल यूज करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी अच्छी होती है, दुरुस्त होती है, जबकि उसको चैलेंज और चुनौती मिलती है। अगर हम उसे चुनौती देना बिल्कुल बंद ही कर देंगे, हम एक सफाई के बुलबुले में अंदर घुस जाएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी। तो इसलिए बैलेंस हमारे लिए जरूरी है। अब मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य बनाना है तो आपको स्वास्थ्य ज्ञान का पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। इसका मतलब आपको स्वास्थ्य ज्ञान के बारे में सीखना पड़ेगा, उसके ऊपर निश्चय रहकर संकल्प लेकर के उसके इसके साथ निभाना होगा और अपने पर्सनल लाइफ में उसको डालना होगा। तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें सशक्त स्वास्थ्य और शक्तिशाली इम्यूनिटी देती हैं? तो इस विषय को हमने 8 चीजों में बांटा है। ये 8 विषय हैं होलिस्टिक हेल्थ, एक समग्र स्वास्थ्य क्या है। 2, पौष्टिक आहार क्या है। 3, बैलेंस लाइफस्टाइल या संतुलित दिनचर्या क्या है। गहरी नींद का हमारे स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के साथ क्या संबंध है। एक्टिविटी और एक्सरसाइज, इसका मतलब चलना फिरना और व्यायाम, गतिशीलता और व्यायाम कैसे हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मानसिक शक्ति, मानसिक तनाव जो है हमारी इम्यूनिटी को बिगाड़ देता है। उसके आगे हेल्थी इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, हमारे आंतड़ियों में अच्छे जीवाणु हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। आप विश्वास करेंगे कि 60% हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे आंतड़ियों में है। और फाइनली
हर्बल सप्लीमेंट्स। हमारा हिंदुस्तान जड़ी बूटियों और स्पाइसेस का भंडार है। ब्रिटिश ऑक्सीजन सॉरी ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान में आई तो किस लिए आई? वो यहाँ पे स्पाइसेस लेने के लिए आई, सीधा साधा सोना लेने के लिए नहीं आई, क्योंकि स्पाइसेस की महिमा उनको पता थी। अब ये होलिस्टिक हेल्थ क्या होती है? होलिस्टिक हेल्थ मतलब कि समग्र स्वास्थ्य। हमारे शास्त्रों में हेल्थ को बोलते हैं स्वास्थ्य। ये दो शब्दों का मिश्रण है, स्वयं में स्थिति। स्वयं में स्थिति का मतलब अंतर आत्मा के साथ संबंध, आनंद की अनुभूति। अंतर आत्मा का मतलब आनंद की अनुभूति, और आनंद की अनुभूति के लिए हमें शारीरिक शक्ति भी चाहिए, मानसिक शक्ति भी चाहिए और आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए। इन तीनों चीजों का गठबंधन है। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं जो कोई 1948 में दी गई थी, तो उसमें भी यही लिखा है, और मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगी फिर हिंदी में अनुवाद करूंगी। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। स्वास्थ्य यह नहीं है कि आपको बीमारी नहीं, स्वास्थ्य यह है जबकि आपको पूरी शारीरिक शक्ति हो, पूरी मानसिक शक्ति हो और सामाजिक खुशहाली हो। अब आप जानते ही हैं सामाजिक खुशहाली तब होगी जब आपको थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान होगा, उसमें आस्था होगी। तो अगर हम समग्र स्वास्थ्य देखें तो वो क्या है? शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का पूरा गठबंधन। अब हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के बलबूते पे हम कहते हैं, जैसा अन्न वैसा तन, वैसा मन वैसी बुद्धि, वैसे ही आनंद की स्थिति। तो इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि हमारी आत्मा के 5 आवरण हैं, और इन 5 आवरण को बोलते हैं 5 शीट्स या पंचकोश। तो ये सिद्धांत है पंचकोश सिद्धांत। सबसे बाहर का आवरण है अन्नमय कोश, फूड बॉडी। मनोमय कोश, मन की स्थिति। प्राणमय कोश, ऊर्जा की स्थिति। विज्ञानमय कोश, बुद्धि की स्थिति। और आनंदमय कोश, आनंद की स्थिति। अगर एक कोश बिगड़ा तो दूसरा बिगड़ जाता है। अगर आपका खाना ठीक ना हो तो मन भी बिगड़ जाता है, बुद्धि भी ढीली पड़ जाती है और आनंद की स्थिति भी चली जाती है। तो ये सब एक से मिले हैं। अगर मन की स्थिति ठीक नहीं तो पेट खराब। तो ये सब कोश हमारे आवरण एक दूसरे से मिले जुले हैं, इसीलिए होलिस्टिक हेल्थ समग्र स्वास्थ्य मींस हर चीज का ध्यान किया जाए। पिछले 60 सालों से हमारी भोजन बदल गया, जीवन शैली बदल गई, मानसिक तनाव आ गया, नींद चली गई। अगर हम मनुष्य के इतिहास को देखें तो उसमें 4 या 5 क्रांतियां बड़ी बड़ी आई हैं जिसने मनुष्य के जीवन को बदला है। सबसे पहले आई कृषि क्रांति। कृषि क्रांति ने मनुष्य की आयु 40 से 45 साल तक कर ली। उससे पहले मनुष्य सिर्फ 18 या 20 साल तक जीता था, क्योंकि खाना बटोरने के चक्कर में ही मारा जाता था, भूख में ही मर जाता था। 150 साल पहले हमारे लिए आई औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके साथ आई चिकित्सा क्रांति। जितने भी संक्रमण रोग थे वो छूट गए, चेचक चला गया, पोलियो चला गया, प्लेग चला गया, और इंसान की मनुष्य की उम्र 75 से 85 साल हो गई। फिर आई हमारे यहाँ इकोनॉमिक एंड डिजिटल एज, जेब में पैसा और हाथों में साधन, सेलफोन, आईपैड, कंप्यूटर, टेलीविजन, सब कुछ। इनने मिलकर के हमारी भोजन भी बिगाड़ा, जीवन शैली भी बिगाड़ी, हमारी मानसिक शक्ति भी बिगाड़ी, हमारी नींद भी बिगाड़ी, और हमें घर के अंदर ऑफिस के अंदर बंद कर दिया, सूर्य प्रकाश का नाम ही नहीं। हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, इसका निर्णय हमारे ऊपर है। जब हम निर्णय के दोराहे पे बैठे हैं
तो हमारा ही निर्णय है कि हम दाईं तरफ बुढ़े दाईं तरफ बढ़ करके प्राकृतिक भोजन खाएं तो हमारा शरीर शरारा और स्वस्थ रहेगा। पर अगर हम बाईं तरफ मुड़ जाते हैं, हम अपने बच्चों को भी बाईं तरफ खींच लेते हैं, तो हम कहां फंस जाते हैं? हम फंस जाते हैं फैक्ट्री के बने खाने से, फास्ट फूड, जंक फूड, जो कुछ भी नहीं पर उसमें सिर्फ सॉल्ट, फैट एंड शुगर, चीनी बहुत ज्यादा, नमक बहुत ज्यादा और गंदे से गंदा चर्बी बहुत ज्यादा। तो हमारा हाल क्या होता है जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं? मोटापा और मोटापे के साथ सारी बीमारी। आज शहर के बच्चों में हर तीसरा बच्चा मोटा है। 40 साल की उम्र के बाद हर दूसरे इंसान का पेट बाहर निकल आता है। और आप तो जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में डायबिटीज 32 और 35 साल में आ जाती है, हार्ट अटैक 40 और 45 में आ जाता है, कैंसर महामारी फैली हुई है। इनका कारण ये है कि हमने निर्णय ले लिया हम बाईं तरफ मुड़ जाएंगे और प्राकृतिक भोजन नहीं लेकिन नकली खाना खाना शुरू कर देंगे और अपने शरीर में बीमारियां भर देंगे। फूड एंड हेल्थ कनेक्शन हजारों सालों से जाना गया है। हमारा खाना और हमारा स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा है। एलोपैथिक मेडिसिन के पिता हिपोक्रेटिस माने जाते हैं। उन्होंने कहा, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, खाना ही आपकी औषधि है। आयुर्वेद साइंस में चरक संहिता में चरक मुनि ने यही कहा, आहार स्वर्ग औषधम, हमारा भोजन ही हमारी दवाई है। हमारे खाने अब प्राकृतिक न रहे, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री के बने हो गए और यह हाल हमारे शहरों में ही ज्यादा है। अगर मैं चार तरह के विषैले पदार्थ वाले खाद्य पदार्थों को देखूं तो ये सामने आपके ये चार पदार्थ आएंगे। सबसे आगे है रिफाइंड ऑयल, परिष्कृत तेल। परिष्कृत तेल वो है जो कई रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाकर बनाया गया है। तो आप प्राकृतिक तेल लेते हैं, उसको कई रासायनिक पदार्थ से मिलाते हैं, तब ये रिफाइंड ऑयल बनता है। अब प्राकृतिक तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। 1970 से पहले हम कच्ची घानी के प्राकृतिक तेल ही खा रहे थे। 1970 के बाद हमारे औद्योगिक क्रांति ने हमारे को रिफाइंड तेल दे दिया और सारे विश्व में बीमारियों का भंडार फैल गया। यह रिफाइंड तेल जो परिष्कृत है, जो रासायनिक पदार्थों से बनाया गया है, इसमें कोई पौष्टिक शक्ति नहीं है। ये अपने शरीर में जहां तहां बैठ जाता है, खासकर के लिवर में। यही तेल है जो हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। लेकिन अगर इस बोतल के ठप्पे को देखेंगे तो लिखा होगा नो कोलेस्ट्रॉल। यह सत्य नहीं, ये झूठ है। ये जब हमारे शरीर में जाता है तब बुरा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हमारे खाद्य पदार्थों में बड़े से बड़ा दूसरा विषैला पदार्थ है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो चीनी डाली जाती है वो रासायनिक चीनी है, उसको बोलते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप वह मीठा है जो कि हमारे को मक्का से दिया गया है। जब मक्का को कई रासायनिक पदार्थों से मिलाते हैं तब यह चीनी बनती है। इसका माना और बांधा हुआ साइंस है कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हमारे को फैटी लिवर देती है। हमारे शरीर के लिवर में जब चर्बी जम जाती है तो डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये कहीं कई बीमारियां, कैंसर समेत हो जाती हैं। शुगर हमारी जो मीठा है हमारी इम्यूनिटी की शक्ति को गिरा देता है। अगर आप मीठा खाएं, एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल पे पिए तो 6 घंटे तक आपके रक्षक सेल आपके साथ ही ढीले पड़ जाती हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को मीठा बहुत बिगाड़ता है। हमारा तीसरा विषैला पदार्थ है हमारा मिल का गेहूं का आटा। मिल का गेहूं का आटा परिष्कृत आटा है जिसमें ना तो चोकर है ना तो उसमें अंकुर है। ये तो सिर्फ स्टार्च से भरा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है और इसके खाते ही हमारी शुगर का लेवल आधे घंटे में चढ़ जाता है, 2 घंटे के बाद गिर जाता है। जब एकदम अचानक गिरता है तो हमें बहुत भूख लगती है, हम बहुत ज्यादा खाते हैं। और आजकल ज्यादा से ज्यादा चीजें, जितना भी फास्ट फूड और जितना भी जंक फूड है वो किससे बनता है? इसी आटे से। चौथा विषैला पदार्थ है हमारी सफेद चीनी। सफेद चीनी भी रासायनिक तरीके से ही बनाई गई है।
इसके अंदर मीठे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप गुड़ को देखें तो उसमें कई मिनरल्स हैं, उसमें आयरन है, फॉस्फेट है, जो हमें कुछ तो शक्ति देता है। तो अगर मीठा खाना है तो अपनी पुरानी पद्धति पे जाइए, गुड़ खाइए, जैगरी शुगर खाइए। अब हमारा पौष्टिक आहार क्या है? जो भी हमारे पेड़ पौधों से बनता है, पेड़ पौधों से आता है, जो सूरज की ऊर्जा में पनप रहा है, वही हमारा आहार पौष्टिक है। इस आहार को अगर हम बराबर मात्रा में खाएं तो हमें हर तरह की न्यूट्रिशन मिलती है, हर तरह के पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो पौष्टिक पदार्थ हैं जो कि हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हमारे को पेड़ पौधों से आते हैं, वो बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, उसकी शुगर की मात्रा बड़ी कम होती है, उससे शुगर बढ़ती नहीं। जो उसमें प्रोटीन है वो एल्कलाइन है, और हमारा शरीर भी एल्कलाइन है। इसकी जगह अगर आप प्रोटीन दूध से और मांस से लेंगे तो वह अम्लीय है, एसिडिक बहुत ज्यादा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। फैट्स जो हमारे को प्लांट से मिलते हैं वो स्वस्थ हैं, वो हमारे लिए लाभदायक हैं, क्योंकि वो फैट्स हमारी रक्त की नालियों में जम नहीं जाते। इसके सिवाय जितने भी खाद्य पदार्थ प्लांट से हमें मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, उनमें विटामिन्स बहुत होते हैं, मिनरल्स बहुत होते हैं, और सबसे जरूरी चीज होती है जिनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो पदार्थ हैं हमारे खाने में जो कि हमारे सारे शरीर के सेल्स की सफाई करते हैं, उनको टॉक्सिन से बचाते हैं और उनको हमेशा स्वस्थ रखते हैं। जब हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होती है तो हमें बीमारी आ जाती है। और मानिए कि एंटीऑक्सीडेंट न कि दूध में है, नहीं वो मांस, किसी मांस में है। तो हमें सिर्फ यही करना है कि जो हम भोजन प्लांट से ले रहे हैं वो बराबर मात्रा में खाएं, आधे से आधा हम सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, चौथाई हिस्सा में हम मोटा अनाज खाएं और दालें खाएं, और चौथाई हिस्सा हम प्राकृतिक तेल और घी खाएं। तेल और घी प्राकृतिक जो आता है वो हमारे लिए बहुत पौष्टिक है। सोचिए कि हमारा दिमाग 80% तेली है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं है, सिर्फ थोड़ा ही कोलेस्ट्रॉल है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में। जब हम खाना ठीक नहीं खाते, हमारा तेल प्रदूषित है और हमारी चीनी प्रदूषित है और बहुत ज्यादा मात्रा में है, तब हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बनता है। अगर हम प्राकृतिक खाएंगे तो बुरा कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही। अब हर खाद्य पदार्थ के मैं आपको नियम दूंगी जो समझदारी के नियम है, जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे फल फ्रूट से, है? तो जो फल हैं उनकी मात्रा खाने की होनी चाहिए 1 या 2 कप। 2 कप मतलब 250 ग्राम। बच्चे ज्यादा खा सकते हैं, पर अगर आपको शुगर, डायबिटीज है और आप मोटे हैं तो 1 कप खाइए थोड़ा कम, क्योंकि याद रखिए कि फल में भी चीनी होती है। फल खाना है तो उसका सबसे अच्छा समय है 5 बजे से पहले, ज्यादा से ज्यादा अच्छा सुबह को, क्योंकि सुबह के समय हम गतिशील होते हैं और जो भी मीठा खाते हैं उसको हम ऊर्जा में बदल देते हैं। तो फल खाने के बाद 2-3 घंटे तक आप गतिशील रहें। फ्रूट जूस न पिएं, क्योंकि फ्रूट जूस जो है वो हमारा फाइबर निकाल देता है। जो फ्रूट के बाद जो हमारा गूदा बनता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, वो हमारे शरीर में शुगर बढ़ाने से बचाता है और हमारे शरीर में फैट बढ़ाने से बचाता है। मैं कहती हूँ कि फ्रूट जूस बच्चे, बूढ़े और बीमार के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको चबाने के लिए दांत नहीं है और बीमार है तो उसकी पाचन शक्ति नहीं है। तो फ्रूट बच्चे, बूढ़े और बीमार, अगर आप चबा सकते हैं तो फल पूरा ही खाइए। अब हम सब्जियों के समझदारी के नियम देखेंगे। सब्जियां, खास करके जो सब्जियां जमीन के ऊपर उगती हैं, वो आप जितनी भी खाएं उनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, उनमें शुगर बहुत कम होती है। हम समझते हैं कि हमारी सब्जियों में प्रोटीन नहीं है, लेकिन हमारी सब्जियों में प्रोटीन बहुत है।
अगर मैं आपको कहूं कि पालक को उबाल लो और एक कवर लो तो उसमें 10 ग्राम प्रोटीन है, इसी तरह ब्रोकली में प्रोटीन है। तो यह मत सोचिए कि प्रोटीन सिर्फ मांस और दूध से आता है, ये गलत बात है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह याद रखें कि हमारी सब्जियां जो खाएं उसमें से 30% सब्जी आप सलाद या स्मूदी के रूप में पिए, उसका गूदा कभी ना फेंके। इसलिए जो सब्जियां हैं उनके जूस मत निकाला कीजिए, सब्जियों को प्रेशर कुक मत किया कीजिए, उससे उनके सारे पौष्टिक पदार्थ भ्रष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमें चाहिए हमारी दालें और हमारी फलियां। हम हिंदुस्तान में फलियां कम खाते हैं, फलियां खाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी बड़ी आंत को बहुत स्वस्थ रखता है और हमारे को कैंसर से बचाता है। तो हमारी दालें और हमारी फलियां हम कम से कम 1 कप, विच इज 100 से 125 ग्राम, मतलब 250 ग्राम, 1 कप होता है, 2 कप होते हैं और 1 कप होता है 125 ग्राम। तो जो हमारी फलियां हैं हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार खाएं। अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है तो उनको अंकुरित कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी हम और चीजें भी डालते हैं अपनी दालों और सब्जियों में, जैसे कि हींग और जैसे कि अदरक, ये भी हमारे गैस का प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। दूसरा, प्रेशर कुक कम से कम टाइम मिक्स टाइम करें। दाल और फलियों को तो प्रेशर कुक करना पड़ता है कि, लेकिन यह नहीं कि 20 सीटियां लगा रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप रात को उनको भिगो दें जैसे कम ही समय में वो पक जाए। जितना भी किसी दाल को या फलियों को ज्यादा पकाया जाता है तो उसमें से स्टार्च निकल आता है और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे लिए रात के समय सबसे अच्छी दाल होती है मूंग दाल, क्योंकि हजम बड़ी अच्छी तरह से हो जाती है। इसलिए हमारी दादी नानी जब पेट खराब होता है तो क्या देती है, मूंग की दाल की खिचड़ी, लेकिन उसमें घी कभी नहीं पूरती। तो हमारे को घी तेल कौन सा खाना चाहिए? प्राकृतिक घी तेल, कृत्रिम प्रदूषित रिफाइंड तेल नहीं। और आजकल बाजार में सिर्फ कृत्रिम प्रदूषित तेल ही मिल रहा है, रिफाइंड तेल ही मिल रहा है। जो भी आप ग्रोसरी के शेल्फ पे देखते हैं वो रिफाइंड तेल है, क्योंकि यह तेल कभी खराब ही नहीं होता 10 साल। जिस तेल को कीटाणु जीवाणु भी नहीं खाना चाहता तो उसको आप क्यों खा रहे हैं, उसको हमारा शरीर भी पहचानता नहीं है। तो अगर आपको अपनी स्वास्थ्य बनाना है तो आपको कच्ची घानी का तेल खाना पड़ेगा, वह तेल जो मशीन से न निकला हो, कच्ची घानी से हो। तो हमारी परंपरा रही है 3 तेलों की सबसे ज्यादा सारे भारत में, सरसों का तेल, तिल का तेल या जिंजली ऑयल और नारियल का तेल। ये तीनों तेल हमारे सारे भारत में फैले हुए थे 1970 से पहले। अब रिफाइंड तेल आ गए हैं जिन्होंने हमारे को इतनी बीमारी दिला दी है। मस्टर्ड ऑयल सबसे ज्यादा खाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सरसों का तेल, सबसे ज्यादा खाया जाता है पंजाब में और राजस्थान में और बंगाल में, आसाम में और उड़ीसा में। जिंजली ऑयल या सेसमी ऑयल साउथ में, नारियल का तेल साउथ में। तो आप देखें, अच्छे से अच्छे तेल खा रहे थे 1970 से पहले, उसके बाद बदल दिया। घी 2 या 3 चम्मच रोज खाना जरूरी है, क्योंकि घी जो है हमारा हाजमा ठीक करता है। घी में इम्यून की शक्ति भी होती है और 60% हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी आंतड़ियों में रहता है। एक चीज बताना चाहूंगी हमें और ऑलिव ऑयल के बारे में। आज हिंदुस्तान में जहां भी जाइए तो बड़े बड़े कनस्तर, बड़े बड़े गैलन के डब्बे जो हैं ऑलिव ऑयल के रखे हैं। हम समझते हैं कि हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्दी है, लेकिन ये बात सच नहीं है। ऑलिव के ट्रीज सारे विश्व में इतने कम हैं कि इतना ऑलिव ऑयल बन ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरा, जो भी हिंदुस्तान में ऑलिव ऑयल आता है उसमें 90 से 95% परिष्कृत रिफाइंड तेल ही है, सिर्फ ऑलिव ऑयल 5 या 10% है। तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। असली ऑलिव ऑयल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो बहुत महंगा होता है। ये आधे लीटर की बोतल $50 के करीब होती है। तो ये समझिए कि आप कौन सा ऑलिव ऑयल खा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के लिए का जो ऑलिव ऑयल है वो है तिल का तेल, उसमें भी वही खूबियां हैं जो ऑलिव ऑयल में है। अगर हमें धान खाना है तो हमें रिफाइंड धान नहीं, परिष्कृत धान नहीं खाना। हमें धान खाना है जो मोटा अनाज हो,
तो मोटा धान क्या होता है? जिसके अंदर चोकर भी होता है और उसके अंदर अंकुर भी होता है। आजकल धान को रिफाइन किया गया है, क्योंकि जब चोकर और अंकुर होता है धान में, जैसे कि गेहूं में, और जब उसको पीसा जाता है तो 1-2 महीने में बिगड़ जाता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 ऑयल, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, वो होते हैं, और ओमेगा 3 ऑयल उसको कड़वा कर देते हैं अगर उसको 1-2 महीने रखा जाए। इसीलिए जो बाजार में आपको आटा मिलता है पैकेट में, वो सारा परिष्कृत धान है, उसमें ना चोकर है ना अंकुरित है, उसमें सिर्फ एक ही चीज है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, जो खाते ही हमारे ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। तो आप समझ लीजिए कि अब आप गेहूं का आटा लें, उसमें से जितना चोकर निकाल देंगे उतना ही वो आटा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो जितना आटा सफेद वो आपके लिए उतना ही हानिकारक। अब सोचिए आपके बिस्कुट, आपके कुकीज, आपके पेस्ट्रीज और आपके केक्स किससे बनते हैं? मैदे से ही बनते हैं। इसी की वजह आजकल बीमारी की महामारी है। चावल जितने सफेद उतने ही रिफाइंड, उतने ही परिष्कृत। हिंदुस्तान में 350 वैरायटी के चावल बनते हैं, और अगर ये चावल देखें आप, 30 या 35 वैरायटी के ऑर्गेनिक राइस, जैविक चावल, वो हिंदुस्तान में बनते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और विदेश में खाए जाते हैं। हम विदेश में काले चावल, लाल चावल, ये सब के सब चावल खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग सिर्फ परिष्कृत सफेद चावल ही खा रहे हैं। इसकी वजह से डायबिटीज बहुत है और डॉक्टर कह देता है पहले चावल बंद। पर अगर चावल आप वो खाएं जिनके ऊपर उसके कवरिंग में उनका चोकर भी है या उनका कवर भी है और उसमें अंकुर भी है, तो वो चावल आपके लिए स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो अगर आप चावल खा रहे हैं तो सफेद चावल के पीछे, परिष्कृत चावल के पीछे न भागिए। सबसे अच्छा धान वह था जो हम 60-70 साल पहले खा रहे थे, वो था बाजरा और ज्वार। इसको अद्भुत अन्न माना गया। हमारे साउथ में मैसूर में डॉक्टर खादर बली हैं, जिन्होंने 25 साल पहले मिलेट मिशन मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने यह बताया कि अगर आप बाजरा, और कितने वैरायटीज के बाजरा हैं, 7 या 8 तरह के बाजरा हैं, ये मिला करके खाएंगे तो आपको भोजन और जीवन शैली की बीमारियां, मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर सब दूर हो जाएंगी। और यह उन्होंने करके दिखाया है। वो बहुत ही प्रसिद्ध है मैसूर में, उनका मिलेट मिशन बहुत चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनके मिलेट मिशन को बहुत बढ़ावा दिया है। तो आप सोचिए कि मिलेट्स का फायदा क्या है। सबसे पहले मिलेट में फाइबर बहुत ज्यादा है, 15% फाइबर है। ये अल्कलाइन ग्रेन है, अल्कलाइन धान है, और हमारा शरीर भी अल्कलाइन है। उसके कंपैरिजन में चावल और आटा जो है एसिडिक है, क्योंकि इसमें शुगर ज्यादा है। तो अगर मैं आपके सामने 4 पदार्थ रख दूं, तो आप बताएं सबसे हेल्दी चीज कौन सी है। आपके ऊपर बाईं तरफ है बाजरे की रोटी, 15% फाइबर, अल्कलाइन। उसके नीचे है गेहूं की रोटी, 3% फाइबर, 4% फाइबर, पूरे चोकर के साथ। आपके दाईं तरफ है ऊपर ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड आधा मैदा और आधा आटा, गेहूं का आटा, इसमें है 2% फाइबर। और सबसे नीचे है सबसे विषैला पदार्थ, सफेद डबल रोटी या पाव, कड़क पाव, जो सफेद रंग का है। जो भी डबल रोटी सफेद रंग की है वो मैदे से बनाई जा रही है, उसमें कुछ भी फाइबर नहीं है, वो हमारे पेट में जाते ही चीनी बन जाती है। अगर आप एक पाव देखें जो मीडियम साइज का है, तो उसमें 5 या 6 चम्मच चीनी के बराबर कार्बोहाइड्रेट है। अगर 2 डबल रोटी के स्लाइस खाते हैं तो आप कम से कम 2 या 3 चम्मच चीनी खा रहे हैं। अंकुरित बीज, अंकुरित दालें और अंकुरित धान, यह हमारी पूर्वजों की परंपरा है। आयुर्वेदा में अंकुरित भोजन को बोला जाता है प्राण भोजन। प्राण मीन्स सोर्स ऑफ लाइफ फूड। क्यों है ये सोर्स ऑफ लाइफ? इसीलिए कि इसमें प्रोटीन की मात्रा 30% ज्यादा है, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स बहुत है और इसके अंदर मिनरल्स बहुत हैं। तो अंकुरित चीजों का
आप रोज सेवन करें, आपको बी कॉम्प्लेक्स की कभी कमी न रहेगी, आपको दवाइयों के पीछे भागना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे लिए सीड्स एंड नट्स बहुत ही पौष्टिक हैं, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, एक चस मुट्ठी भर। जरूरी नहीं है कि आप महंगे बादाम पिस्ते वगैरह खाएं, मूंगफली, अलसी, तिल, आपके खरबूजे के बीज, इनमें भी वही शक्ति है जो आपके बादाम में है। तो हमें सीड्स और नट्स से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, अच्छा ओमेगा 3 ऑयल्स जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छे ऑयल्स हैं, हमारी रक्त की कोशिकाओं को फूल के रखते हैं, विटामिंस, मिनरल्स ये बड़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, ये आपके भोजन में रोज होने चाहिए, पर एक मुट्ठी से ज्यादा न खाएं। दही, दही हमारी पुरातन परंपरा है, क्यों? दही और छाछ को आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम माना गया है। दही में अच्छे जीवाणु होते हैं जिसको आजकल साइंस ने प्रोबायोटिक कहा है और बोला है ये प्रोबायोटिक के बिना हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। तो पश्चिमी सभ्यता में 15 या 20 साल से हमारे यहाँ योगर्ट की परंपरा बहुत बड़ी है, तो योगर्ट खाया जा रहा है, पर किस तरह का? पैकेट वाला। जब पैकेट में डाल करके योगर्ट बेचा जाता है तो उसको पैस्चुराइज किया जाता है। पैस्चुराइज का मतलब बहुत ज्यादा हीट, गर्मी में उसको तपाया जाता है, जैसे जितने भी जीवाणु कीटाणु है वो कम हो जाएं, और वो जब शेल्फ पे महीना भर भी पड़ा रहे ग्रोसरी स्टोर में तो बिगड़े नहीं, खट्टा ना होए। तो जो दही एक महीने तक खट्टा नहीं होता उसमें जीवाणु जिंदा ही नहीं। तो अगर आपको दही का फायदा लेना है तो और छाछ का फायदा लेना है तो घर में ही बनाए। सबसे प्रॉब्लम मैंने देखा है कि आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ग्रीक योगर्ट चोबानी, क्योंकि इसमें से दही में से पानी निकाल दिया जाता है, तो जाड़ा दही जो बनता है उसमें केसीन प्रोटीन जो होता है वो ज्यादा होता है। पर हमारे दूध में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक तो केसीन प्रोटीन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं, वो हजम करना भी बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा होता है वे प्रोटीन जो दूध के पानी में होता है। जब आप पनीर बनाते हैं तो जो पानी निकलता है उसमें वे प्रोटीन है, जब चीज बनाते हैं उसमें से जो पानी निकलता है और सिर्फ केसीन बचा लिया जाता है तो उसमें वे प्रोटीन होता है, उसको ही जब फ्रीज ड्राई करते हैं तो वे प्रोटीन बनता है, उनको डब्बों में डाल करके बहुत महंगा बेचा जाता है, जिसको हमारे एथलीट मसल बनाने वाले खाते हैं, जिसको हम बीमारों को देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब दही में से और दूध से पानी निकाल देते हैं तो हम पौष्टिक प्रोटीन को कचरे में फेंक देते हैं। आप खाना होना चाहिए शाकाहारी या मांसाहारी? इसका जवाब ये है कि आज विश्व को पता चल गया है कि शाकाहारी खाना ही स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है, न कि मांस और दूध। इसके लिए मैं आपके सामने चाइना स्टडी पेश करूंगी। चाइना स्टडी जो थी वो पब्लिश्ड है और वो डॉक्टर टी कैंपबेल ने चाइना में जाकर के रिसर्च करी थी, शोध किया था। उन्होंने दिखाया कि 25 साल पहले चाइना में डायबिटीज 1% से कम थी और मोटापा 1% से कम था और डायबिटीज 5% से कम थी। और जो डायबिटीज थी भी वो है जो बच्चों वाली डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज थी ही नहीं, उनको दिल की बीमारी भी नहीं थी। इसका कारण है कि उनके भोजन में न तो दूध था, न तो चीज था, न ज्यादा मीट था, मीट कम, सब्जियां ज्यादा। जब 25 साल में चाइना समृद्ध हो गया और सबकी जेब में पैसा आ गया तो उन्होंने दूध पीना शुरू किया। उन्होंने दूध तो कभी पिया ही नहीं था, वो तो सोया मिल्क पीते थे। उनकी मीट का कंजप्शन 3 गुना बढ़ गया। अब चाइना में डायबिटीज महामारी है, मोटापा महामारी हो रही है और हार्ट डिजीज भी महामारी है। तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि 25 साल में एक देश ने अपने खाने में परिवर्तन किया, दूध बढ़ा दिया, चीज बढ़ा दिया और मीट बढ़ा दिया और बीमारियों का घेरा कर लिया। तो आप खुद ही खुद बस सोच लें कि आपके लिए क्या अच्छा है। आज विश्व में 5 से 6 करोड़ लोग पश्चिमी देशों में वीगन बने हैं, हमारे बड़े बड़े जाने माने खिलाड़ी भी वीगन बने हैं। तो हम आपको कंपैरिजन देना चाहते हैं कि वेजिटेरियन खाने में, शाकाहारी खाने में
क्या अच्छाइयां हैं और नॉन वेजिटेरियन खाने में क्या प्रॉब्लम्स हैं। वेजिटेरियन शाकाहारी खाना सूर्य की ऊर्जा में पनपता है, उसमें सूर्य की ऊर्जा आती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, फाइबर की मात्रा भी बहुत बड़ी होती है जो हमारा शुगर और फैट का लेवल बढ़ने नहीं देती। प्रोटीन जो हमें शाकाहारी भोजन से आता है वो एल्कलाइन है, क्षारीय है, अम्लीय नहीं है, और हमारे जो फैट आते हैं हमारे को शाकाहारी भोजन से वो अनसैचुरेटेड है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, वो हमारी रक्त की कोशिकाओं में जम नहीं जाते। उसकी जगह अगर आप दूध बहुत पीते हैं, दूध की सघन चीजें खाते हैं जैसे कि पनीर, जैसे कि दूध की बनी हुई मिठाइयां, और उसके साथ मांस ज्यादा खाते हैं, तो समझ लीजिए कि ये मांस और दूध जो है वो प्राकृतिक नहीं बना, वो फैक्ट्रियों में बनाया है, वो जानवर बंद हैं फैक्ट्रियों में, उनको प्राकृतिक भोजन नहीं दिया जाता, उनको मक्का दिया जाता है। जब उनको मक्का दिया जाता है तो उनके पेट में बहुत इन्फेक्शन या बीमारी लग जाती है, फिर उनको भर भर के एंटीबायोटिक दिया जाता है, उनका मांस बढ़ाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए हार्मोन्स दी जाती हैं। तो आप प्रदूषित दूध और मांस खा रहे हैं, इसी वजह से आजकल बीमारियां इतनी ज्यादा हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बिल्कुल नहीं है दूध में और मांस में, फाइबर बिल्कुल नहीं है, प्रोटीन जो है वो अम्लीय है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं, और फैट्स जो हैं वो सारे सैचुरेटेड हैं जो हमारे रक्त की कोशिकाओं में जम जाती हैं। तो मैं आपके सामने तीन रक्त की कोशिकाएं पेश कर रही हूं, उनके फोटो आपके बाईं तरफ कोशिका वो है जो वीगन की है, बीच वाली है जो वेजिटेरियन है, दूध पीता है, दूध का कंजप्शन ज्यादा है, और आपके राइट साइड पे है वो कोशिका जिसमें दूध और मांस दोनों का प्रयोग बहुत ज्यादा है। हमारे रक्त की कोशिकाओं में जब फैट या चर्बी भर जाती है तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट। तो आप खुद ही खुद देख सकते हैं कि अगर आप शाकाहारी हैं, दूध नहीं पीते ज्यादा, तो आपकी कोशिका साफ होगी, आपको हार्ट अटैक वगैरह का कोई डर नहीं रहेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं पर दूध बहुत ज्यादा पीते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे पनीर बहुत ज्यादा, चीज बहुत ज्यादा, दूध की मिठाई बहुत ज्यादा, तो आपकी कोशिका कुछ बंद हो जाएगी। अगर आप मीट खा रहे हैं और मीट में जानवर की चर्बी होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा होता है, वो खा रहे हैं और दूध भी बहुत पी रहे हैं जिसमें भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो आपकी कोशिका जल्दी बंद हो जाएगी। आप खुद ही खुद जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में हार्ट अटैक 40-45 साल में हो रहे हैं, सारे विश्व में हार्ट की बीमारी बहुत ज्यादा है, इसीलिए जेब में पैसा ज्यादा हो गया है तो भोजन ज्यादा मांसाहारी, भोजन में दूध की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब मैं ये कहूंगी कि शाकाहारी भोजन न कि सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शाकाहारी भोजन हमारी प्रकृति के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शाकाहारी भोजन में जमीन कम चाहिए, अनाज कम चाहिए और पानी कम चाहिए। 40% अनाज जो विश्व में पैदा हो रहा है वो हम उन जानवरों को खिला रहे हैं जो हमें मांस देते हैं और दूध देते हैं। अगर हम 1 किलो बीफ बनाते हैं तो उसमें 15,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। अगर हम 1 किलो गेहूं या चावल उगाते हैं तो 3,000 से 4,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। अगर हम 1 किलो बाजरा उगा रहे हैं तो 200 लीटर 1 किलो के लिए। तो आप समझ लीजिए कि हमारे प्रकृति के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, मोटा अनाज, शाकाहारी भोजन।